अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम चैप्टर मिसाली मौलिम की जो है मशकी सवालात कर रहे हैं। आज का हमारा सवाल है पांचों नमाजों की अहमियत बताने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मिसाल दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि तुम में से किसी के घर के आगे नहर बह रही हो और वो रोजाना 5 मरतबा उसमें गुसल करे तो क्या उसके बदन पर मैल बाकी रहेगा। आपको पता है कि पानी जो है वो मैल को साफ करता है, और अगर कोई 5 दफा दिन में पानी से अपने जिस्म को धोए तो क्या उसके जिस्म के पे कोई मैल बाकी रह जाएगी। सहाबा कराम रज़ियल्लाह अन्हुम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर जरा भी मैल बाकी नहीं रहेगा। जाहिर है कि आप भी अगर एक साबन ना भी लगाएं तो पानी जो है वो हर तरह के मैल कचैल को साफ कर देता है। तो सहाबा कराम ने भी यही जवाब दिया कि बिल्कुल भी उसके ऊपर जरा बराबर भी मैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल पांचों नमाजों का है कि अल्लाह उनके जरिए से गुनाहों को मिटा देता है। जैसे हम पेंसिल से लाइन लगाते हैं और फिर उसके पीछे जो रबर होता है वो पेंसिल को साफ कर देता है, तो हम गुनाह के पुतले हैं। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है और हमारे से कुछ गुनाह तो हम जानते बूझते करते हैं, इंसानी कुछ हमें इलम की कमी की वजह से गुनाह हो जाते हैं। तो जब हम अल्लाह नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, जैसे रबड़ जो है वो पेंसिल से लगी हुई लकीरों को मिटा देता है। तो प्यारे बच्चों, सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें इल्म होगा, हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है हदायत देकर, और वो हदायत की किताब जो है वो कुरान मजीद है, तो हमें तभी पता चलेगा कि किन गुनाहों से हमें बचना है और अल्लाह से तौबा कैसे मांगनी है। और जब हम नमाज के लिए अल्लाह के आगे सर झुका देते हैं तो जो दिमाग में ख्यालात आते हैं उनको भी अल्लाह के ताबे करना चाहिए। तो वो हम अल्लाह के ताबे तभी कर सकते हैं जब हम अल्लाह की भेजी हुई किताब को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। तो आज से अहद कर लें कि आपने कम से कम रोज अल्लाह की किताब को तर्जमे से पढ़ना है ताकि आपको पता चले नमाज का असल में फायदा हो सके। तो अपने दिमाग को कुरान की रोशनी से मुनव्वर करें ताकि वाकई हमारी नमाजें ऐसी बन सकें जो हमारे गुनाहों के मैल कुचैल को धो डालती हैं। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।